जी, क्या वास्तु शास्त्र में क्या कपूर के भी कुछ ऐसे टोटके हैं जिसका उपयोग कर घर में सकारात्मक ऊर्जा लाई जा सकती है? देखिए, कपूर अपने आप में बहुत पावरफुल चीज है, निगेटिव एनर्जी को समाप्त करने के लिए और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने के लिए। वो तंत्र मंत्र में भी काम करता है, घर के वास्तु दोष में भी काम करता है, किसी का बीमारी भी है तो अगर वहाँ कपूर जला रहे हैं तो उसको लाभ मिलेगा। या पहले जब हैजा वगैरह फैलता था, कालरा होता था, तो उस समय भी कपूर जलाया जाता था कि रोग का प्रसार न हो। लेकिन आज के समय में जो व्यावसायिक रूप से जो है एक प्रकार से अशुद्धता के कारण से हम लोग शुद्ध कपूर जो है प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो जो शुद्ध कपूर है जो पेड़ के द्वारा प्राप्त होता है, अगर उसको आप घर में नियमित रूप से जला रहे हैं तो हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से और घर में सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि करने का काम और आरोग्यता, जितने भी सूक्ष्म बैक्टीरिया है, जीवाणु है, उनको वो नष्ट करने का काम करता है, वास्तु दोषों को दूर करने का काम करता है। लेकिन कपूर जलाइए, लेकिन जो ये केमिकल द्वारा बना हुआ कपूर है उसका कोई फायदा नहीं होता है। जो खाने वाला कपूर होता है, जो आयुर्वेद में यूज किया जाता है, जो भीमसेनी कपूर होता है, उसके प्रयोग से सारे लाभ मिलेंगे। अगर घर में कैसा भी नकारात्मक ऊर्जा है, कपूर बराबर जलाना चालू कर दीजिए, घर की नकारात्मकता कम हो जाएगी।